नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ चंदा और आपका स्वागत है चंदा डायरीज में। आज का वीडियो एक विशेष व्रत की रेसिपी के लिए है, जो है मखाना खीर। सावन का महीना चल रहा है और आप सभी सोमवार व्रत कर रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए एक व्रत स्पेशल मखाना खीर रेसिपी लेकर आऊँ। ये मखाना की रेसिपी बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बहुत ही मिठास से भरा होता है। इसमें देसी घी और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होगा, जो इसको एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में देसी घी गरम किया है। इसमें हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है, जिससे खीर को एक रिच और एरोमेटिक फ्लेवर मिलेगा। अब इसमें 1 कप ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम और किशमिश डाल दीजिए। इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूने। ख्याल रखिए कि आप इसको ध्यान से भूने, हाई फ्लेम पर जलने से आपके ड्राई फ्रूट्स का स्वाद खराब हो सकता है। आप देख सकते हैं इसके भुनने से ड्राई फ्रूट्स की खुशबू और स्वाद और भी बढ़ गया है। इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब बचे हुए घी में हम मखाने को भी भुनेंगे। मैंने यहाँ लगभग 2 कप मखाना लिया है, जो हमारे इस खीर का स्टार इंग्रेडिएंट है। इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भुने। ध्यान रखिए कि फ्लेम मीडियम पर हो, ताकि मखाने अच्छे से भुने और क्रंची हो जाए। हाई फ्लेम पे भुनने से मखाने जल सकते हैं, इसलिए ध्यान से भुने। आप देख सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको प्रेस करके चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही क्रंची हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। ध्यान रखिए इसे बिल्कुल स्मूथ नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दरदरा हुआ है, जिससे खीर में एक अलग टेक्सचर आएगा। अब वापस से वही कढ़ाई लेते हैं और उसमें लगभग 1 लीटर दूध डालेंगे। इसे अच्छे से उबालने देंगे जब तक दूध गाढ़ा न हो जाए। इसे चलाते रहिए, जैसे रबड़ी बनाते समय दूध को पकाते हैं। इससे खीर का टेक्सचर और मिठास बढ़ जाता है। हमें दूध को मीडियम हाई फ्लेम पर उबलने देना है और इसे ऐसे चलाते रहना है। धीरे धीरे आपको दिखेगा दूध का रंग बदल रहा है, ये ठीक होने लगा है और इसमें एक प्यारी सी मलाई जमा हो रही है। अब जब दूध गाढ़ा हो गया है, तो उसमें हम पिसा हुआ मखाना डालेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि मखाने दूध में अच्छी तरह घुल जाए। आप देख सकते हैं दूध ऊपर आने लगा है, इसलिए हम फ्लेम को मीडियम पर कर लिए हैं। हमें इसे धीरे धीरे पकने देना है, जिससे खीर का टेक्सचर और मिठास बढ़े। मखाने के पौष्टिक गुण और उनके लो फैट कंटेंट की वजह से यह व्रत के दिनों में परफेक्ट हेल्दी स्नैक्स माने जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और 1/2 कप चीनी और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पिस्ता बादाम डाल रही हूँ। आप इसे ऑप्शनल भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं। इसको थोड़ा चला लेंगे। आप देख सकते हैं खीर का कलर और एरोमा कितना इरेजिस्टिबल हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ एप्पल डाल रही हूँ। इससे हमारे खीर का टेक्सचर और टेस्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि एप्पल का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब मैंने फाइनली इसमें थोड़ा सा केसर डाला है। केसर से हमारे खीर का कलर और स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। इससे खीर को एक रॉयल टच मिलता है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन इससे खीर की खुशबू और विजुअल अपील बढ़ जाती है। तो अब बस इसे 5 मिनट और पका लेंगे। आप देख सकते हैं खीर का रंग कितना अच्छा लग रहा है और इसका टेक्सचर बहुत ही जबरदस्त है। अब बढ़ते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। खीर को थोड़ा ठंडा करके सर्व करें, इससे उसका स्वाद और मजा और भी बढ़ जाता है। इसकी खुशबू और टेक्सचर आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप व्रत में कुछ खा रहे हैं जो कमाल का है। फाइनली हम इसे थोड़े से पिस्ता बादाम से गार्निश कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी मखाना खीर, जो आप व्रत के दिनों में बना सकते हैं। इसकी मिठास, इसकी खुशबू और इसकी खूबसूरती सब कुछ बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खाना खाते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।